किसान हैं हम, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनका क्लेम है। हुजूर प्लेयर देखिएगा, तो आए हैं फॉर क्वेशिंग द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर डेटेड 9/9। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर? लास्ट पेज देखा जाए हुजूर उसका, पेज नंबर 96 में। 96 हाँ, इनका प्रेयर एंड लास्ट फाइंडिंग ऑफ डीसीएलआर देख ले जाए। जटिल स्वत्व संबंधी विवाद उभर कर सामने आता है। रैयत वंशज के आधार पर दावा किया जा रहा है विपक्षी मेरे द्वारा। अभी अब आप चुप रहिएगा, जरा हम अपना पिछला ऑर्डर देखेंगे। और ये क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं क्या है? एएसआई हैं सब। क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक। पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते। पढ़कर बताइए। पढ़ाइए पढ़िए। मिस्टर खान, हाउ विल ही बी एबल टू ऑनर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इफ ही कैनॉट कॉम्प्रीहेंड इट, ही कैनॉट रीड इट? ही शुड बी गिवन अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर बाय द पिटिशनर और बाय द स्टेट? नहीं, ही कैन ऑलवेज इफ देयर इज एनी। आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे इसका जी। क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा कब मिलने गए थे आपसे ये ऑर्डर लेकर इनके क्लाइंट? क्या कब गए थे आप का क्लाइंट कब गया था? इनको 3 तारीख को गया था। 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहे कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा, वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है तो हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे। 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिया है लिखित में हुजूर के सामने है कि वो दोनों पक्ष को रोका जा रहा है। तो हमने कहा कि नोटिस में ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए। तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिए आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ हम यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेकर नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पिटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं, बिना डेट का डेट नहीं देने दिए। कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कह दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोकना। मिस्टर खान, दुल्हन बाजार में यही हो रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स। वो तो फॉर दैट माय लॉर्ड आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस, बट देन द मैटर हैज बीन। आप इनको 3:45 लाइए, 3:45 इनके SSP आएंगे, उस समय भी सुनेंगे। एंड आई विल हैव टू डिसाइड वेदर द हाई कोर्ट ऑर्डर विच हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द पुलिस ऑफिशियल्स हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन द ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट देन कम्युनिकेटेड और द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट ए ट्रांसलेटेड कॉपी। दिस इज हैपनिंग एवरी डे एंड इट हैज हैपेंड इन दुल्हन बाजार। My lord, can I? I will initiate a contempt proceeding against this fellow. He will go to jail. My lord, can I? Yes. Now, there have been various orders passed by my lords, and by and large, orders have been complied. I mean, this is an exceptional situation where I cannot defend him, but then where this unfortunate thing has happened. Mr. Khan, you have been appearing. You don't have. And supporting the police, I have also been supporting the police so far as law and order is concerned. But when the police takes the matters into its own hand, and when especially the orders of the High Court are not understood or they willingly violate, if an order is there that this fellow is restrained, they go and restrain the petitioner also. And this is not happening with this ASI. It is happening right from this SSP onwards.
they try to misinterpret the order. They try to misinterpret the order to help persons with muscle power, persons with political backing, persons who are connected with a political party or with few political parties who are in power. This is happening, and in Patna district this is happening, especially Dulhin Bazar police station it is happening. I will direct the SP to change every police officer from transfer police officers of Dulhin Bazar police station, or I will initiate contempt against them. Tell him to come at 2:45. He will be here. Yes, he will be here. I will take this up. This case had to just one or two submissions for my lord's time. 2:45 का हम खाली ये. I have got this. We have ensured. There was initially a wrong was. I am not interested in the fact that you have ensured. I am interested in the fact that why did he act in such a callous manner, and why he did not honor the order of the High Court. When there was an order, he could have filed a modification saying that this cannot be executed. If he doesn't understand English, he should have contacted you, come to your office, and then allow me to make one fact absolutely clear. If there's an order of the High Court, it has to be complied. There's absolutely no issue, file no deje. Doubts about file it. There's no issues. The moment the matter was mentioned, and when I talked to them, my lords, I explained to them, this is what you have done, you should not have done. They called the other side, they ensured. The other side responded number 5. I mean, I should say he's 6. He's been 6 to 9. But as far as my instruction goes from the police officer, or that Dulhin Bazar PS is a criminal. There's no doubts about it. How many cases? Kitne cases hain us par? Are kitna mere kaam ka nahi hai sir, dusra nahi maar. तो क्रिमिनल कैसे हो गया? नहीं नहीं है उस पे, हाँ, उस पे केसेस. आप पर कितना केस है? 6 to 9 में हुजूर जो इन पर नहीं नहीं मेरे ऊपर एक 6 हाँ. जो रेस्पोंडेंट है प्राइवेट रेस्पोंडेंट उनके ऊपर इमीडिएट एक केस हुआ है इसके पहले. किस सेक्शन का? 302 का है हुजूर. क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार. नीतीश शर्मा जो है इनको मेन असलेंट भी नहीं है. इनको फंसाया गया था उसमें, इनको बेल हो गया था बहुत जल्दी. बाकी लोगों के खिलाफ कुछ केस बता दे रहे हैं. उसके बाद वी कॉल्ड हिज वाइफ, सिंस ही वाज नॉट कमिंग वी कॉल्ड हिज वाइफ. And the wife has put in her signature. We have absolutely, in simple and strictest term, communicated to her that there was a mistake on our part that we issued such kind of orders. We have rectified it. Now you are not going to go anywhere near that piece of land. And my lords, as far as, because earlier also SD entry was done by us, because this gentleman, Mr. Nithi, because there was a dispute. So when the police went to that place of dispute, the occurrence, the field, this Nitesh Kumar, the respondent, he created a hell lot of scene out there, abused the Mr. So aisa nahi hai ki we kyon nahi arrest karte hain. Agar police ke samne scene create karta hai to 353 kiske liye hai? IPC. Ab aap chup rahiyega Pandey ji, abhi hum sarkari vakil se baat kar rahe hain. Ye 353 kab ke liye rakhte hain? Julus ka jo violation karta hai usi ke liye 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर कोई, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया, तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया? किया कोई काम? सनहा दर्ज किए. केस दर्ज करना मना है. सनहा से क्या होता है? क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए. 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा. आगे से कभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आए तो अपने वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, या अपने वकील साहब से फोन पर बात कीजिए, या आप दुल्हिन बाजार में हैं तो नजदीक हैं. क्या करना है हुजूर इसमें? तो बिकॉज द ऑर्डर जो था उसका हम लोगों ने कंप्लायंस कर दिया. टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय माय लॉर्ड्स एंड फाइनल ऑर्डर इज पास. क्या डिस्प्यूट है? बैठिए. डिस्प्यूट है, हमारा रैयती लैंड हमारे इंसेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिनके द्वारा उनको ही बाद में अभी 2021 में
कहते हैं कि वो मेरे ही परिवार से रिलेटेड थे गलत वंशावली बना करके, जबकि उनका कोई नहीं था। यू आर दी परचेजर, परचेजर, यू आर दी परचेजर, परचेज मैन 1921 में। और आपका जन्म नीतीश शर्मा जी कब हुआ? इनका तो ये हुजूर है 45 साल उम्र है, कब जन्म हुआ? ये इनके एंसेस्टर का ही। अरे एंसेस्टर को छोड़िए, आपका जन्म कब हुआ हम पूछ रहे हैं। 42 साल का इनका हो रहा है जो, तो कब जन्म हुआ? ये जन्म तो वही 80-81 का होगा आपका। 80-81 का होगा, एविडेंस एक्ट पढ़ाइए, सेल लीड जो है सेल लीड प्रिवेल करेगा, और अगर उनको दिक्कत है तो टाइटल सूट में जाएं। हां वही हम कह रहे हैं जो आई हैव फाइल काउंटर एफिडेविट लिखते हैं। रुकिए, डिटेल्स काउंटर। हाँ डिटेल काउंटर, आप लोग तमाशा करते हैं। जमीन महंगा हो गया तो क्रिमिनल सब आगे बढ़कर पुराना क्लेम कर रहे हैं कि सेल डीड गलत है। देखो जो इनका एक चीज हम दिखाना चाहें, अब हम कुछ नहीं देखेंगे। आप बैठिए पांडे जी, आप समझ गए कि आप क्या करने जा रहे हैं।